फिर से देखिए वो चीज जो दिखाने में आपको लाया हूँ, बाइकर्स की जो मोटरसाइकिल है। ये कितने साल पुराना होगा जी? ये सर 20 साल, 20 साल पुराना है। ये देखिए ये जो प्राइस इसकी लिखी हुई कितना, 3,65,000। ये 3,65,000 का है, कितने साल पुराना है? 20 साल। इतना बढ़िया ये मोटरसाइकिल है, ये पूरा भरा पड़ा हुआ है, पूरा बोनसाई वाला सेक्शन है, ये पूरे बोनसाई बने हुए हैं। ये कितने साल पुराने होंगे? ये 5 से 6 साल पुराने। 5 से 6 साल पुराने हैं। ये सारी चीज़ें ताइवान, जापान और आपका मलेशिया वगैरह में रहती है, लेकिन मैंने इंदौर में ये पहली बार देखा है। हेलो व्यूअर्स, आज देखिए मैं सीहोर से इंदौर जा रहा हूँ, और वो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक धरती माँ करके एक नर्सरी है, उसके बारे में मुझे ऐसे पता चला कि मैं जब दोपहर में लंच के लिए घर आया तो मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया, तो उसमें वो नर्सरी मुझे दिखी। काफ़ी अच्छी नर्सरी है, स्पेशली जो उनका जो बोनसाई वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। जब हम बोनसाई की बात करते हैं तो जो हमारे जो जहन में या जिक्र में जो आता है वो ताइवान या फिर जापान या चाइना की जो नर्सरीज वगैरह जो रहती हैं उनका ध्यान आता है। तो लगभग बिल्कुल वैसा ही प्लांट मुझे दिखे, तो वही देखने के लिए हम जा रहे हैं, और वो सारे जो प्लांट हैं वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। फाइनली हम इंदौर में जो धरती माँ जो नक्श में आ गए हैं, मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ। इसका एंट्री गेट रहेगा शायद यही एंट्री गेट, यहीं से हम अंदर ले रहे हैं। चौकीदार वगैरह भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। यही नर्सरी के लिए, नर्सरी यहीं पे ना, धरती मान नर्सरी है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हम आ चुके हैं, गाड़ी पार्किंग करते हैं यहाँ पर। पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। वो देखिए दूर से ही देखिए वो चीज़ जो दिखाने में आपको लगा, आखिरकार हम ये धरती माँ नर्सरी आ गई। और जिस चीज़ के लिए मैं आपको लेके आया था, ये देखिए आप, तो पाइकस की जो बोनसाई है, ये कितना साल पुराना होगा जी? ये सर 20 साल, 20 साल पुराना है। ये कहाँ से बुलवाया होगा? ये तो फॉरेन से आता है, फॉरेन से आया, इतनी पता है कहाँ से। ये देखिए ये जो प्राइस इसकी लिखी हुई कितना, 3,65,000। देखिए आप, ये 3,65,000 का है, स्पेशली मतलब कि ये सारी चीज़ें ताइवान, जापान और आपका मलेशिया वगैरह में रहती है, लेकिन मैंने इंदौर में ये पहली बार देखा है। तो मैंने यूट्यूब चैनल देखा, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने देखी, इसलिए मैं आज आया। देखिए करीब 20 साल करीब पुराना बोनसाई है ये, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनका। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम ये इनके बोनसाई सेक्शन में आए हुए हैं, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए ये कौन सा कार्मोना है, ये कार्मोना देखिए यार, कितने खूबसूरत प्लांट दिख रहे हैं। इनकी रेंज क्या है? 1500 से 2500। ये 1500 से 2500 में बढ़िया ये मिलता ही है, ये पूरा भरा पड़ा हुआ है, पूरा सब। ये देखिए आगे चलते हैं, देखिए
ये वाला सेक्शन क्या है? ये एसएफ जोन है, फाइकस रेट्यूसा जो आप देखते हैं, ये देखिए ये एस शेप का ये बॉन्साई है, ये देखिए ये एस शेप का बॉन्साई है, काफ़ी अच्छे अच्छे शेप हैं यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे पूरे ये भरे पड़े हुए हैं। क्या कीमत भी है इसकी? ये भी वही है सर, 1500 से 2500। 1500 से 2500 सेट वाइज, एज वाइज प्राइस है सर। ये कौन सा है ये वाला? ये भी कारमोना का ही प्लांट है, ये थोड़ा अभी डेथ हो रहा है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, तो ये प्लांट थोड़ा आपको इस टाइप का दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये डेजर्ट रोज है, ये इसमें कौन कौन से कलर हैं? सभी कलर रेड, पिंक, ऑरेंज। क्या रेंज इनका क्या है? ये 600 से 700 के बीच में, 600 से 700। इस साइड में उसके बूटी, ये बॉन्साई वाला सेक्शन है, ये पूरे बॉन्साई बने हुए हैं। ये कितने साल पुराने होंगे? ये 5 से 6 साल, 5 से 6 साल पुराने होंगे। काफ़ी अच्छा ये थिक है, नीचे देखिए आप, ये स्पेशली आपको बॉन्साई चाहिए तो इनका काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, यहाँ पे आप आके ले सकते हैं। ये देखिए ये वाला एक बार देखिए, काफ़ी अच्छा इनकी जो सकुलेंट्स की जो रेंज है, सकुलेंट्स की रेंज भी काफ़ी अच्छी है। ये सारे सकुलेंट्स हैं, ये वाला जबरा है ना, ये खबर दिया सकते हैं, ये वाला जबरा वो मुझे एक परचेज भी करना है, तो वो कौन सा वाला? ये वाला आप बोल रहे 150 रुपये है ना, 150 रुपये एक निकाल दीजिए। ये देखिए आज ये वाला प्लांट मैं ले जाने वाला हूँ, ये जबरा प्लांट है, ये देखिए काफ़ी अच्छा है, ये 150 रुपये में ये दिया। और इसका कुछ अच्छा वेरिएंट और इसके साथ में? इसके साथ में और ये भी कितने का है? 150। कोई हेल्दी प्लांट दीजिए कोई बढ़िया सा। उधर है क्या वो वाला? देखिए चलिए, ये दो प्लांट तो रख रहा हूँ मैं, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है, ये वाला रख लेता हूँ, ये वाला रख लें। और कोई कुछ अलग कैसे होता है? ये ब्रह्म कमल कितने का? इसका छोटा नहीं है ब्रह्म कमल का कमल लगा सकते, लक्ष्मी कमल इसका छोटा नहीं है, मिल जाएगा छोटे भी मिल जाएंगे। ये कितने वाले? ये 230। ये कौन सा वाला है? ये सकुलेंट। ये कितने का रेंज? 100 का देख लो, ऐसे रीजनेबल प्राइस में अपन देख लेते हैं। इसका छोटा नहीं है ब्रह्म कमल का? ये रख लक्ष्मी का, ये रख 230। ये स्टोन सकुलेंट मिल जाएगा आपके पास, जेड है मेरे पास। ये डेलिकेटेड है, इसके लीव्स ऑरेंज ऑरेंज डेलिकेशन रहता है, वाइट। फाइकस माइक्रो कहते हैं ना, ये ग्राफ्टेड रहता है, ये रूट कौन सी रहती है? ये अलग पौधे का स्टेम रहता है, ये अलग। ये काफ़ी मैंने सर्च किया तो ये रूट मुझे पता नहीं लग पा रहा है किसकी है, ये ऊपर तो अलग इसका रहता है। ये वाला नया दिख रहा है, ये सर
रोजा मसाला, ये तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ उसका। इंडोर के लिए ये भी काफ़ी बड़े प्लांट आपके पास है। रसीना, रसीना का छोटा नहीं है आपके पास? मिल जाएगा रसीना ड्राई फ्रूट की बहुत सारी। अच्छा अच्छा, क्या रेंज में? 60 रुपीज़, 100 रुपीज़। अच्छा अच्छा, चलिए ये फाइकस नूडल की वैरायटी है, इसकी बॉल्स वगैरह बनी हुई है काफ़ी, और रूट्स वगैरह भी इसको काफ़ी अच्छे है यहाँ पे। लगभग मैंने इनकी सारी नर्सरी देखी हुई यहाँ पर, काफ़ी अच्छे बॉन्साई हैं। और इनकी नर्सरी एक जगह और शिफ्ट है और सेज यूनिवर्सिटी है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आने का मौका मिलेगा तो सेज नर्सरी वाली जो दूसरी जो विजिट में वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।